चलिए स्वागत करता हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा सारण में। फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। जैसा थंबनेल से आप सभी को पता चल गया होगा कि इसके झासर का जो गेस पेपर का बुक है, गेस पेपर का, इसका मैथ का आज हम पार्ट फोर करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक पार्ट तीन नहीं देखा है तो इसके झा गेस पेपर के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है। इसके झा गेस पेपर के नाम से प्लेलिस्ट जो है ये बना हुआ है, प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। इसमें मैंने फिजिक्स का 4 पार्ट कंप्लीट किया है, वो भी है, बायोलॉजी का 1 पार्ट है और आपका मैथ का 3 पार्ट है। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका सीधा नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। और अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को शुरू करते हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। कल हमने क्वेश्चन नंबर 55 तक किया है, आज हम क्वेश्चन 56 से करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है यदि ए बराबर रूट अंडर 5+1 बटे में रूट 5-1 तथा बी बराबर रूट 5-1 बटा रूट 5+1 हो तथा रूट 5 का जो वैल्यू दिया है 2.236 हो, तो हमसे बोला गया है कि ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा। इसका मान हमको पूछा गया है और ए का मान ये दिया है, बी का मान ये दिया। देखिए इसे हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। पहली बात कि ये जो वैल्यू दिया है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसको हम क्या किस चीज़ में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर दिख रहा है, अगर हम इसको यहाँ क्वेश्चन मार्क हटा के अगर हम इसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी कर दें तो कोई दिक्कत। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए बी घटेगा तो क्या आ जाएगा, ए बी, यानी ये ऊपर वाला ही संख्या हमारे पास आ रहा है, यानी कि हम इसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी लिख सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से इस वाले पोर्शन में अगर हम इसे ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए बी कर दें, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए बी कर दें तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab और ये प्लस ab होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ये a प्लस बी और a गुना बी का ही हमारे पास केस रहेगा। अब देखिए ये तो थोड़ा ये चीज आप समझ गए, इसको अब हम क्या कर देते हैं, इसे हम मिटा देते हैं, हमें इसका वैल्यू निकाल लेना है। अब इस a का मान कितना हमारे पास दिया है, रूट 5+1 बट्टा रूट 5-1। इस तरह का फॉर्मेट हमें कभी भी दिखता है तो सबसे पहले हम हर परिमेयकरण करते हैं। अगर नीचे वाले का हर परिमेयकरण करेंगे तो यानी इसके साइन से उल्टा से ऊपर नीचे हम क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, ऊपर तो हो जाएगा रूट 5+1 का होल स्क्वायर और नीचे ये दिखता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी जब होता है ये हो जाता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है, तो नीचे क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर यानी कि रूट 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये ऊपर हो गया, अगर ऊपर वाला को भी अगर हम खोल दें तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab बटे में ये हो जाएगा रूट 5 का स्क्वायर 5 माइनस 1 का स्क्वायर 1, यानी कि ये हो जाएगा 5+1+2√5 बटे में ये हो जाएगा 4। ये हो गया 4, यानी कि ये हो जाएगा 5+6+2√5 बटे में नीचे 4। अगर यहाँ से 2 हम कॉमन ले लें, अगर 2 कॉमन ले लें तो यहाँ बच जाएगा 3+√5 बटे में 4, ये कट जाएगा 2 बार में, यानी कि ये कितना आ गया, 3+√5/2। यानी कि ए का मान हमारे पास कितना आ गया, 3+√5/2। उसी तरीके से अगर हम बी का मान निकालें कि रूट 5-1 बटा
रूट फाइव प्लस वन, इसका भी हाफ परिमेयकरण करेंगे तो इसके ऊपर नीचे गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रूट फाइव माइनस एक का होल स्क्वायर, यानी कि रूट फाइव माइनस एक का होल स्क्वायर अब बट्टे में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि इसका मान डायरेक्ट हम चार लिख सकते हैं, उसका मान लिखेंगे तो पाँच प्लस एक माइनस दो रूट पाँच होगा, बट्टे में चार होगा, यानी इसको भी हम लिख सकते हैं पाँच प्लस एक छः, दो कॉमन ले लेंगे ये हो जाएगा आपका तीन माइनस रूट पाँच बट्टा चार, यानी कि दो दो कट गया, यानी कि तीन माइनस रूट पाँच बट्टा दो आ गया, यानी कि बी का मान कितना आ गया तीन माइनस रूट पाँच बट्टा दो। अब हम देखिए यहाँ से अगर ए प्लस बी का मान निकालें, ए प्लस बी, ए का मान कितना है तीन प्लस रूट पाँच बट्टा दो प्लस बी का मान कितना है तीन माइनस रूट पाँच बट्टा दो, यानी कि ये हो जाएगा तीन प्लस रूट पाँच प्लस तीन माइनस रूट पाँच बट्टा दो, रूट पाँच से रूट पाँच कट गया, तीन तीन कितना हो जाएगा छः बट्टा दो, यानी कि तीन, यानी कि ए प्लस बी का मान हमारे पास तीन आ गया। अगर यहाँ से ए माइनस बी का मान निकालें तो ये हो जाएगा तीन प्लस रूट पाँच बट्टा दो माइनस, ये हो जाएगा तीन माइनस बी का मान, हाँ बी का मान तीन माइनस रूट पाँच बट्टा दो, यानी यहाँ से हमारे पास क्या मान आ जाएगा, ये माइनस में है तो ये क्या आ जाएगा दो हमारा एलसीएम हो जाएगा, ये आ जाएगा तीन प्लस रूट पाँच माइनस तीन प्लस रूट पाँच, तीन तीन कट जाएगा यानी कि दो रूट पाँच बट्टा दो, यानी कि रूट पाँच। अब रूट पाँच मान आ गया हमारे पास। अब देखिए यहाँ हमको क्या करना है, ए प्लस बी, ए प्लस बी का मान हमारे पास तीन आया है तो वहाँ इसमें पुट करेंगे तीन का स्क्वायर माइनस ए बी करेंगे, अगर हम ए इंटू बी करेंगे, यहाँ हमको ए गुना बी भी करना है, ए गुना बी हम यहाँ कर देते हैं, ए बी, ए बी यानी कि तीन प्लस रूट पाँच बट्टा दो गुना तीन माइनस रूट पाँच बट्टा दो कर देंगे तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो नौ में से पाँच गया चार बट्टा चार, यानी कि ए बी का मान हमारे पास एक आ गया। ठीक है, तीन का स्क्वायर माइनस एक बट्टा ए माइनस बी का मान आ गया रूट पाँच का स्क्वायर, रूट पाँच का स्क्वायर प्लस एक, यानी तीतरी का नौ में से एक गया आठ और पाँच प्लस एक छः, यानी कि दो चौके आठ दो तीन छः, यानी कि आपके पास कितना आंसर आ गया चार बट्टा तीन, यानी कि चार बट्टा तीन क्या हो गया आपका सही आंसर आ गया, चार बट्टा तीन कहिए या 1.33 कहिए, यानी कि 1.33, तो ऑप्शन कौन सही होगा तो ऑप्शन बी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। ठीक है, 57 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 57 में कहता है कि यदि 2 के पावर a प्लस 3 के पावर b का मान अगर 17 हो तथा 2 के पावर a प्लस 2 माइनस 3 के पावर b प्लस 1 बराबर 5 हो तो a और b का मान हमसे पूछ रहा है कि a और b का मान क्या होगा, यही हमसे पूछा गया है। ठीक है, देखिए इस चीज़ में अब देखिए टू सीधे हमको दिख रहा है 2a प्लस 3b बराबर 17 हमको दिख रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब ये इक्वेशन देख रहे हैं हम कि 2 के पावर a प्लस 2 माइनस 3 के पावर b प्लस 1 बराबर 5, अब यहाँ पे थोड़ा सा हमें कन्फ्यूजन हो रहा है तो वो कन्फ्यूजन मैं दूर कर देता हूँ। आपको मैंने अपने वीडियो में बताया है कि अगर a के पावर m गुना a के पावर n होता है तो वो a के पावर m प्लस n होता है। ठीक है, ये चीज़ कंसेप्ट यहाँ से खुलेगा, तो हमने यहाँ देखा कि हो सकता है यहाँ 2 के पावर a हो और 2 के पावर 2 हो, माइनस यहाँ 3 के पावर b हो इंटू 3 के पावर a हो, तब जाके ये क्या हो गया होगा, जाके इसमें a के पावर m गुना a के पावर n में जुड़ा होगा। हमने बोला कि ठीक है, जब 2 के पावर a 3 के पावर b यहाँ भी हमको दिख गया तो हमने क्या माना, हमने यहाँ पे मान लिया कि अगर माना कि 2 के पावर a को अगर हम x मान लें और 3 के पावर b को अगर हम y मान लें तो ये इक्वेशन हमारा क्या बन जाएगा, x प्लस
वाई बराबर 17, ये हमारा इक्वेशन एक बन जाएगा। ठीक है, दूसरा चीज अगर 2a को हमने x मान लिया है तो 2 का स्क्वायर 4 यानी कि ये बन जाएगा 4x माइनस 3 के पावर 1 यानी कि ये 3y बराबर 5, ये हमारा समीकरण 2 बन गया। अब जब समीकरण 1 और 2 बन गया तो हम क्या करते हैं, ये तो कटने वाला नहीं है, या करेंगे समीकरण 1 में हम 4 से गुना कर देते हैं और समीकरण 2 में 1 से गुना कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 4y बराबर 17 और 68, ये हो जाएगा 4x माइनस 3y बराबर 5। अब समीकरण 1 से 2 घटा देंगे तो क्या होगा, ये 4 से 4 कट जाएगा, ये हो जाएगा 4 3 7, 7y बराबर 8 में से 5 गए 3, ये आपका 63। तो y का मान यहाँ से आ जाएगा 7 9 63, यानी कि y का मान कितना आ गया, 9 आ गया, y का मान 9 आ गया। तो समीकरण 1 में अगर y का मान पुट कर देंगे तो ये x प्लस 9 बराबर 17, तो x का मान क्या हो जाएगा, 17 माइनस 9 यानी कि 8। अब देखिए 2a का पावर, 2a के पावर को हमने x माना है, 2 के पावर a को हमने x माना है, तो 2 के पावर x यानी कि 8 कर देंगे तो हमारे पास 2 के पावर a इसको 2 के पावर क्यूब होगा, तो जब बेस समान होगा तो a का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से a का मान 3 आ जाएगा। 3 के पावर b को हमने y माना है और y का मान यहाँ कितना है, 9 है, तो यहाँ पे 9 है, तो 3 के पावर b और 3 को स्क्वायर, यहाँ से b का मान हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी कि a का मान 3 और b का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन b जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक आप जरूर करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 कहता है कि यदि 2a प्लस 3b इंटू 2c माइनस 3d बराबर 2a माइनस 3b इंटू 2c प्लस 3d हो तो मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ 4 जाती है, a b c और d, a b जो है एक साथ है और c d जो है एक साथ है, हम क्या करते हैं ए बी वाले को एक तरफ करते हैं और सी डी वाले को एक तरफ करते हैं, सिंपल सा है, ये करेंगे 2a प्लस 3b बट्टा इसको लेके आ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2a माइनस का 3b बराबर, ये क्या है 2c प्लस 3d बट्टा 2c माइनस का 3d। अब यहाँ एक चीज हमको याद आता है, कंपोनेंडो एंड डिवेनेंडो क्या कहता है कि अगर a बट्टा बी बराबर सी बट्टा डी हो तो कंपोनेंडो एंड डिवेनेंडो लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये a प्लस बी बट्टा a माइनस बी, ये हो जाएगा c प्लस डी बट्टा c माइनस डी, ये चीज़ लागू होता है। ठीक है, बस वही चीज़ हम यहाँ लगा देते हैं, कंपोनेंडो एंड डिवेनेंडो देखिए ये क्या हो जाएगा, 2a प्लस 3b यानी कि a प्लस बी यानी कि 2a माइनस 3b बट्टे में क्या हो जाएगा, a माइनस बी, 2a प्लस 3b माइनस 2a माइनस 3b। ठीक है, यानी कि a प्लस बी बट्टा a माइनस बी। अब देखिए यहाँ लगेगा c प्लस डी, c प्लस डी यानी कि 2c प्लस 3d प्लस 2c माइनस 3d यानी कि c प्लस डी हो गया। अब लगेगा c माइनस डी यानी कि 2c प्लस 3d माइनस 2c माइनस 3d। अब क्या हो जाएगा, देखिए 3b से ये 3b कट गया तो 2 2 4 4 ऊपर लिख दीजिए, 2a प्लस 3b माइनस का ये हो जाएगा 2a और प्लस का हो जाएगा 3b, यहाँ से 2a कट जाएगा तो नीचे क्या बच जाएगा, 6b यानी कि 4a बट्टा 6b यहाँ बच गया। यहाँ देखिए माइनस 3d प्लस 3d कट गया तो यहाँ से क्या बचेगा, 4 का c बट्टा ये माइनस का 2c हो जाएगा और ये प्लस का 6d हो जाएगा, तो ये माइनस का 2c प्लस का 2c कट जाएगा, ये 6 6 क्या नाम है, ये 3 है ना, 3d 3 और 3 क्या हो जाएगा 6d, तो 2 2 4 2 3 6
दो दो में चार, दो तीन छः, दो बटा तीन, दो बटा तीन कट गया, इसका मान आ जाएगा ए बट्टा बी बराबर सी बट्टा डी। क्या आ जाएगा? ए बट्टा बी बराबर सी बट्टा डी, ए बट्टा बी बराबर सी बट्टा डी। तो ऑप्शन ए ही आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 कहता है, क्वेश्चन नंबर 59 कहता है कि यदि ए स्टार बी बराबर ए बी बट्टा ए प्लस बी हो तो थ्री स्टार मिडिल कॉस्ट थ्री स्टार माइनस वन का मान क्या होगा? अब देखिए यहाँ पे तीन है, यहाँ पे दो है। सबसे पहले ये अंदर वाला को, यानी कि जो मिडिल कॉस्ट के अंदर है, इसको हम लेते हैं। हम इसको इस तर्ज पे लेते हैं, ये हमारा गिवन है। हमने कहा कि थ्री स्टार माइनस वन को, अगर तीन को हम ए मान लेते हैं और बी को माइनस वन मान लेते हैं, तो इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या होगा? तीन गुना माइनस वन बट्टा तीन प्लस माइनस वन, ये क्या हो जाएगा? तीन गुना माइनस वन यानी कि माइनस का तीन, तीन प्लस तीन माइनस वन यानी कि माइनस तीन बट्टा दो, तीन में से एक गया दो। अब देखिए इसका वैल्यू यानी इस वाले पोर्शन का वैल्यू हमारे पास माइनस, जब हमारे पास माइनस तीन बट्टा दो आ गया, तो अब ये वाला पोर्शन हमारा क्या हो जाएगा? अगर हम इस वाले पोर्शन को ए मान लें और इस वाले पोर्शन को बी मान लें, क्या मान लें? अगर हम इस वाले पोर्शन को यहाँ लिख देते हैं और थ्री स्टार माइनस वन को अगर हम ए मान लें, ये हमारा अब ये हो गया, ये हमारा ये पोर्शन हो गया, बी हमारा ये पोर्शन हो गया। अब इस वाले पोर्शन का तो मान हमने माइनस तीन बटा दो निकाल रखा है, तो ए हमारा ये हो गया, बी हमारा ये हो गया। फिर अब इस इक्वेशन से हम क्या करेंगे? उसको सेटिस्फाइड करेंगे। तो चलिए ए इसको मान लिए तो तीन गुना माइनस तीन बट्टा बी हो जाएगा, ये माइनस तीन बट्टा दो बट्टे में क्या है? ए, ए यानी कि तीन प्लस बी क्या हो जाएगा? माइनस तीन बट्टा दो यानी कि माइनस तीन बट्टा दो, ये हो जाएगा तीतरी के नौ माइनस नौ बट्टा दो, ये हो जाएगा द्वितीय छः, द्वितीय छः, छः माइनस तीन तीन बट्टा दो, ये हो जाएगा तीन बट्टा दो। अब माइनस नौ बट्टा दो गुना दो बट्टा तीन, दो से दो कट गया, तीन से नौ कट गया तीन बार में, यानी कि माइनस तीन, यानी माइनस तीन क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो हो है आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 60 कहता है कि ए तथा बी के नो में क्रमशः चार अनुपात एक, पाँच अनुपात दो के अनुपात में क्रमशः दूध तथा जल भरा हुआ है, ठीक है? वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें से इन मिश्रणों को मिलाने पर दूध तथा जल का नया मिश्रण जो है सात अनुपात दो हो जाए। ए तथा बी दो केन है, इसमें मिल्क और वाटर का जो रेशियो है, पहला में चार अनुपात एक है, दूसरा में है पाँच अनुपात दो, हमको फाइनल कितना अनुपात चाहिए? तो सात अनुपात दो होना चाहिए। अब देखिए इस केस में क्या होता है, अगर इस टोटल का मिश्रण देखें तो टोटल का मिश्रण कितना है? पाँच, इसका पाँच दो सात, इसका कितना है? सात दो नौ। इस केस में एलिगेशन लगाने से पहले हम ये देखते हैं, या किसी एक का ले लें, या अगर हम मिल्क का लें, अगर हम मिल्क का ले लें तो इस पाँच, मान लीजिए ये पाँच लीटर टोटल है, तो पाँच लीटर में से कितना लीटर आपका मिल्क है? तो चार लीटर, तो ये चार बट्टा पाँच। इसमें अगर हम ये मिल्क वाला पार्ट है, ये वाटर है, ये मिल्क है, ये वाटर है, ये पाँच दो सात है, टोटल कितना है? मान लीजिए सात लीटर है, इसमें से कितना लीटर मिल्क है? तो पाँच बट्टा सात, ठीक है? इसी तरीके से टोटल में कितना है? सात दो नौ है, तो कितना मिल्क है? तो सात, तो सात बट्टा नौ। बस एलिगेशन लगाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ से चार पाँच, चार बट्टा पाँच माइनस सात बट्टा नौ कर देंगे, ये हमारा आ जाएगा नौ पचे पैंतालीस, या डायरेक्ट हम इसे नौ इंटू पाँच लिखे, पाँच पाँच कट जाएगा, नौ चौके छत्तीस, माइनस नौ नौ कट जाएगा, सात पाँचे पैंतीस यानी कि एक बट्टा पैंतालीस हो जाएगा। ये पोर्शन क्या हो जाएगा? एक बट्टा पैंतालीस, ये हो जाएगा पाँच बट्टा सात माइनस, भले सात बट्टा नौ माइनस पाँच बट्टा सात, ये हो जाएगा नौ गुना सात, ये नौ नौ कट गया सात सात उनचास, माइनस सात कट गया नौ पचे पैंतालीस, यानी हो ये हो जाएगा चार बट्टा
तिरसठ, यानी 7/9 माइनस 5/ जो 63 है कितना हो जाएगा 4/63। अब देखिए 9 से काट दीजिए, 9 5 45, 9 7 63, ये इधर आके कितना हो जाएगा 4 5 20, और ये उधर जाके चल कितना हो जाएगा 20:7, यानी कि 20:7 लीटर मिल्क और वाटर मिलाने पे इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा 7:2। तो ऑप्शन ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 क्या कहता है कि एक व्यापारी 15 रुपये प्रति किलो तथा 20 रुपये प्रति किलो भाव की दो चायों को किस अनुपात में मिलाए ताकि मिश्रण का भाव 16 रुपये 50 पैसा प्रति किलो हो जाए। देखिए इस पर मेरी एलिगेशन लगा देते हैं, ठीक है। एक तो 15 रुपये किलो है, एक 20 रुपये किलो है, उसको दोनों को मिला के क्या करना है 16 रुपये 50 पैसा किलो बेच देना है। तो 16 रुपये 50 पैसा के हिसाब से अगर हम लगा देंगे तो 16.5 में से 15 जाएगा कितना जाएगा 1 रुपया 50 पैसा, और 20 में से 16.5 जाएगा तो कितना जाएगा 3 रुपया 50 पैसा। इसे अगर काट देंगे 5 3 15 5 7 35, यानी कि कितना अनुपात में हो जाएगा 7:3, कितना हो जाएगा 7:3 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 क्या कहता है कि एक बर्तन में 60 किलोग्राम दूध है, उस दूध में से 6 किलोग्राम दूध निकाल कर उसके स्थान पर पानी मिला दिया गया, यानी 60 किलोग्राम दूध है, 6 किलोग्राम दूध निकाल के उसके स्थान पर क्या मिला दिया गया, पानी मिला दिया गया। इस प्रक्रिया को दो बार और दोहराया गया, तदनुसार बर्तन में शेष दूध की मात्रा कितनी रह गई। देखिए इस तरह के प्रश्न में अगर शेष दूध की मात्रा पूछता है तो फॉर्मूला ए इंटू 1 - b / कुल मात्रा, यानी कि कुल मात्रा कितना होगा, और ये जितना बार निकाला जाएगा, जैसे 3 बार ये निकाला गया है तो ये इसका पावर 2 कर दीजिए। ये क्या होगा, ये प्रारंभिक मात्रा होगा, ए बराबर प्रारंभिक मात्रा, यानी कि पहली बार जो जितना है प्रारंभिक मात्रा है वो है, और बी का बात कहा जाए तो बी आपका निकाली गई मात्रा हो क्या हो जाएगा, बी निकाला गया मात्रा होगा, यानी कि ये कितना बार निकाला गया है। अब देखिए प्रारंभिक मात्रा दूध का कितना है तो 60 किलोग्राम है, 1 - कितना बार निकाला गया तो 6 किलो दूध निकाल के उसके स्थान पर पानी मिला दिया गया, और इस प्रकार उसे 2 बार निकाला गया तो 6/ कुल मात्रा कितना है तो 60, इसका पावर क्या हो जाएगा 2, 6 से 60 को काट दीजिए 10 बार में, 60 × 1 - 1/10 के पावर 2, यानी 10 में से 1 जाएगा 9/10, यानी इसे लिख सकते हैं 60 × 9/10 × 9/10 × 9/10, 1 0 से 1 0 कट गया, 2 3 6 2 5 10, या इसको काटिए मत, इसको नीचे 10 ही रहने दीजिए, यहाँ पे 6 रहने दीजिए, ठीक है। 9 99 81 81 कितना हो जाएगा 729 729 को 6 से गुना कर दीजिए, यह आपका हो जाएगा 9 6 54 4, हाथ में 5 6 12 5 17 7, हाथ में 1 7 6 42 1 43 43 और 74 को 100 से भाग दीजिएगा 43.74 क्या हो जाएगा आपका आंसर आ जाएगा, यानी 43.74 kg हो जाएगा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 क्या कहता है कि 4 पात्रों के मिश्रण में दूध पानी क्रमशः 5:3, 2:1, 3:2 तथा 7:4 के अनुपात है, किस पात्र में पानी के सापेक्ष दूध की मात्रा सबसे ज़्यादा है, पानी के सापेक्ष दूध की मात्रा सबसे ज़्यादा। अब देखिए मिल्क वाटर, 4 पात्र हैं, पहला में है 5:3, दूसरा में है 2:1, तीसरा में है 3:2, चौथा में है 7:4। अब देखिए मिल्क और वाटर का रेशियो देखें तो ये 5:3 है, ये 2:1 है, ये 3:2 है, ये 7:4 है पानी के सापेक्ष। तो 5/3 करेंगे तो 3 * 1 = 3 + 2 = 3 6 = 18, 1.6, ये आपका 1/2 हो जाएगा, ये आपका 1.5 हो जाएगा, 4 * 4 = 4 4 * 7 = 28, 1.7। तो पूछ रहा है कि पानी के सापेक्ष दूध की मात्रा सबसे कम किस में है, तो
तो सबसे कम 1.5 लीटर है, यानी कि 3:2 में है, यानी कि तीसरे में है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 कहता है कि दूध तथा पानी के 20 किलोग्राम मिश्रण में, यानी दूध और पानी के 20 किलोग्राम मिश्रण में 15% पानी है, इसमें 5 लीटर पानी डाला जाता है, तो मिश्रण में दूध का प्रतिशत क्या हो जाएगा। अब देखिए मिल्क और वाटर का जो मिश्रण है ये कितना है, 20 लीटर है। अब इस 20 लीटर में 15% पानी है, तो 20 का 15% अगर निकालेंगे तो 20 × 5 = 100, 5 × 3 = 15, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 3 लीटर हो जाएगा। अब देखिए 20 लीटर दूध मिश्रण में 3 लीटर क्या है, पानी है, तो अगर हमसे मिल्क की बात की जाए तो मिल्क कितना हो जाएगा, 20 − 3 यानी कि 17 लीटर क्या हो जाएगा, दूध यानी कि मिल्क होगा। जब 17 लीटर दूध होगा, इसमें 5 लीटर पानी और मिला दिया जाएगा, तो 5 लीटर पानी और मिला दिया जाएगा किसमें, ये 20 लीटर में, तो ये कितना हो जाएगा, 20 + 5 25 लीटर पानी हो जाएगा। 25 लीटर क्या हो जाएगा, मिश्रण हो जाएगा, यानी कि मिक्सचर जो है 25 लीटर हो जाएगा। तो हमसे पूछ रहा है तो मिश्रण में दूध का प्रतिशत कितना हो, 25 लीटर मिश्रण में 17 लीटर पानी है, तो 1 लीटर में कितना हो जाएगा, 17/25, इसीलिए 100% में कितना हो जाएगा, 25 × 7 = 17 × 68% कितना हो जाएगा, परसेंटेज में कितना हो जाएगा, तो 68% हो जाएगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 कहता है कि ग्लिसरीन और पानी के एक मिश्रण में ग्लिसरीन 45% है, बाद में उस मिश्रण के 100 ग्राम में 35 ग्राम भार के अनुसार पानी और मिला दिया जाता है, तदनुसार उस नए मिश्रण में भार के अनुसार ग्लिसरीन का प्रतिशत कितना होगा। अब देखिए क्या है, पानी और ग्लिसरीन है, क्या है, वाटर और ग्लिसरीन है, ठीक है, मान लीजिए वाटर और ग्लिसरीन है, ठीक है, ग्लिसरीन कितना है, 45%। अगर 100 में से 45% अगर ग्लिसरीन है तो वाटर कितना होगा, इसमें वाटर इसमें 55% होगा, यही होगा, 100 में अगर 45% ग्लिसरीन है तो 55% क्या हो जाएगा, वाटर होगा। अब कह रहा है कि 35 ग्राम वाटर और इसमें मिला दिया गया, 35% या मान लीजिए परसेंट इसको मत लीजिए, 45% मतलब इसको कहिए कि 45 ग्राम, इसको कहिए 55 ग्राम, बात वही हुआ 100 ग्राम में, अगर 35 ग्राम और इसमें वाटर मिला दिया गया, तो टोटल मिक्सचर की बात की जाए, टोटल मिक्सचर यानी कि टोटल मिश्रण की बात की जाए, तो 135 ग्राम हो गया। अब इसमें कह रहा है कि ग्लिसरीन का परसेंटेज क्या होगा, यानी कि परसेंटेज ऑफ ग्लिसरीन, तो परसेंटेज ऑफ ग्लिसरीन की बात की जाए तो ये तो 45 ही ग्राम है, 45 ही ग्राम है, टोटल कितना है, 135 ग्राम मिश्रण है, तो 100 गुना कर देंगे, 15 × 9 = 135 और 15 × 3 = 45, 33 × 9 यानी कि 100/3% या कह सकते हैं 33.1/3%, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन बी जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 क्या कहता है कि किसी बर्तन में 2 द्रव ए तथा बी का अनुपात जो है 4:1 है, ए और बी का जो अनुपात है ये कितना है, 4:1 है, 10 लीटर मिश्रण निकालकर उसके बदले 10 लीटर द्रव बी डालने पर बर्तन के मिश्रण में अनुपात 2:3 में परिवर्तित हो गया, तो बर्तन में द्रव ए की मात्रा थी, यानी कि बर्तन ए में द्रव की मात्रा कितनी थी। देखिए क्या होता है, कोई भी मिश्रण है, मान लीजिए अगर आप एक बाल्टी में 5 लीटर आपका दूध और पानी का मिश्रण है, मिल्क प्लस वाटर का मिश्रण है, अगर इसमें से आपने 1 लीटर पानी निकाल, 1 लीटर दूध निकाल लिया, तो मिश्रण तो उतना ही रहेगा जितना मिल्क और वाटर का मिश्रण है उतना ही रहेगा, ठीक है, अगर आप जब तक पानी न डालें, अगर पानी डाल दीजिएगा तो मिश्रण चेंज हो जाएगा, लेकिन पहले जितना मिश्रण था, अगर मान लीजिए ए और बी का जो अनुपात है 4:1 है, इसमें से अगर हमने 10 लीटर
10 लीटर मिश्रण निकाल भी लिया ना, तो इस मिश्रण क्या रहेगा, हमारा मिश्रण चार अनुपात एक ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। अब जाके कब चेंज होगा, जब इसमें हम 10 लीटर पानी मिला दे रहे हैं, 10 लीटर वाटर अगर हम मिलाते हैं तब हमारा मिश्रण क्या चेंज हो जा रहा है, 2:3 में चेंज हो रहा है। क्या अनुपात चेंज हो रहा है, यानी कि हम पानी जब डाल रहे हैं तो हमारा मिश्रण चेंज हो रहा है, ठीक है। लेकिन दूध तो पानी जब मिला रहे हैं तो दूध का जो जितना मात्रा है वो बराबर होना चाहिए, यहाँ दूध का मात्रा अलग है तो हम क्या करेंगे, यहाँ 4 है तो इसको भी 4 करने के लिए 2 से दोनों में गुना कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, 4:6 हो गया। तो यहाँ से ये कितना बढ़ गया, तो 5 यूनिट बढ़ा, तो 5 यूनिट बढ़ा किस में, 10 में, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2। जब 1 यूनिट का वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगा तो इस यूनिट का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, 4×2=8, और इसका कितना हो जाएगा, 2, ये कितना हो जाएगा, 2, यानी कि ये 10 और ये 10 कितना हो जाएगा, 20, और ये टोटल यूनिट कितना था, यानी कि 5 यूनिट का वैल्यू 20, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4। जब 1 यूनिट का वैल्यू 4 हो जाएगा तो इनिशियल में ये कितना का हो जाएगा, 4×4 यानी कि ये 16 लीटर हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये 4 लीटर हो जाएगा। यानी हमसे पूछ रहा है कि ए का, हमसे क्या पूछ रहा है कि ए की मात्रा कितनी थी, तो ए के इनिशियल में मात्रा कितनी थी, तो 16 लीटर था। तो ऑप्शन सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 कहता है कि दूध एवं पानी के 40 लीटर मिश्रण में दूध का पानी से अनुपात 7:1 है, यानी कि मिल्क और वाटर का अनुपात कितना है, 7:1 है, और दूध कितना है, 40 लीटर है, दूध कितना है, 40 लीटर। अब देखिए दूध 40 लीटर है और ये 7:8 है, तो 8 यूनिट का वैल्यू 40 लीटर है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5, तो मिल्क का कितना हो जाएगा, ये 5 यानी कि 35 लीटर मिल्क होगा और 5 लीटर क्या हो जाएगा, वाटर होगा। अब हमसे कह रहा है कि दूध तथा पानी का अनुपात 3:1 करने के लिए मिश्रण में पानी की मात्रा कितने मिलानी होगा, यानी कितना इसमें पानी मिलाएं, वाटर कितना मिलाएं, ये जो अनुपात है 3:1 हो जाए, यानी कि 3:1 बनाना है। तो 35 लीटर तो क्या है, मिल्क है, तो हम इसे डायरेक्ट 35 लीटर पानी में एक्स प्लस 5 लीटर यानी कि 5 लीटर में कितना पानी मिलाएं, ये अनुपात हमारा 3:1 हो जाए। ऐसे भी हम निकाल सकते हैं 3x+15, ये 15 आके इधर कितना हो जाएगा, 3x+15 यानी कि ये हो जाएगा 20 = 3x, तो x का मान कितना हो जाएगा, 20/3 यानी कि 20/3 लीटर, यानी कह सकते हैं 6×2/3 लीटर। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 कहता है कि किसी मिश्र धातु में जस्ता तांबा तथा टीन 2:3:1 के अनुपात में है, यानी किस अनुपात में है, 2:3:1 के अनुपात में है, ठीक है। तथा एक अन्य मिश्र धातु जैसे तांबा, टीन तथा सीसा 5:4:3 के अनुपात में है, दोनों मिश्र धातु, इसमें देखिए ये जस्ता है, तांबा है, ये आपका टीन है, ठीक है, ये है तांबा, टीन, और ये आपका सीसा है, क्या है, सीसा है। मिलाकर अनुपात में दोनों मिश्र धातुओं के समान भाग लेकर एक तीसरी मिश्र धातु बनाई जाए तो नई मिश्र धातु में प्रति किलोग्राम सीसे का भार क्या होगा, सीसे का भार क्या होगा। अगर इन सभी का अनुपातिक योग देखें तो 2×3=5, 1×6 ये हो जाएगा 5×4=9, 3×12, ठीक है। अब इन दोनों को मिला के, दोनों मिश्र धातुओं के समान भार लेके एक तीसरी मिश्र धातु बनाई जाए तो नई मिश्र धातु में प्रति किलोग्राम सीसे का भार क्या हो जाएगा। दोनों का समान ये 12 है तो इसको भी 12 कर दीजिए, तो 6×6=12, ये कितना हो जाएगा, 24 किलोग्राम हो जाएगा, कितना हो जाएगा। अब हमसे कह रहा है कि सीसा पूछ रहा है, बोला सिर्फ इसमें सीसा, नई मिश्र धातु में सीसा कितना भार लगेगा,
तो सीसा का अनुपात कितना है, 3/24 यानी कि 1/8 किलोग्राम इसमें सीसा लगेगा। तो ऑप्शन बी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 कहता है कि ए बी तथा सी मिलकर कुल 1980 रुपया कमाते हैं। ए है, बी है और सी मिलकर टोटल 1980 रुपया कमाते हैं। वे इसे क्रमशः 2:1, 3:2 में कमाते हैं, तो बी की कमाई क्या होगी। ये क्या कहते हैं, ए और बी जो है ये 2:1 में कमाते हैं और बी और सी जो है ये आपका 3:2 में कमाते हैं। देखिए ए बी बी सी, अगर हमें ए बी सी देखना है तो ये 2:1 और ये 3:2 करेंगे तो इधर 1 से गुना कर देंगे, इधर 3 से, तो ए बी सी का अनुपात क्या हो जाएगा, 2 3 6 3 1 3 1 2 2, टोटल अनुपात कितना हो गया, 6 3 9 2 11, टोटल अनुपात 11 हो गया। बी की कमाई पूछ रहा है तो बी कितना है, 3, यानी कि बी की कमाई 3/11 गुना 1980 रुपया है। काट दीजिए, 11 1 11 11 8 88 18 3 54, यानी कि बी जो है 540 रुपया कमाता है। तो ऑप्शन सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 कहता है कि ए बी तथा सी की मजदूरी की कुल राशि 333 रुपया है। कौन है, ए है, बी है और सी, इसकी मजदूरी की कुल राशि कितनी है, 333 रुपया है। वे अपने मजदूरी का क्रमशः 80%, 85% तथा 75% खर्च करते हैं। ए जो है 80% खर्च करता है, बी जो है 85% खर्च करता है और सी जो है 75% खर्च करता है। यदि उनकी बचत का अनुपात 7:6:9 है, यानी अगर इनका सेविंग का जो अनुपात है ये 7:6:9 है, तो उनकी अपनी अपनी मजदूरी क्या होगी, यानी इनके अपनी अपनी जो मजदूरी है वो क्या होगी। अब देखिए ये 80% खर्च करता है, इसका मतलब है कि 20% बचाता हो। ये अगर हम इसका एक्स, इसका वाई, इसका जेड मान लें, 80% खर्च करता है, 80% का मतलब हो गया 80/100, यानी 20 चौके 80 20 25 100, 4/5x, यानी अगर 4/5x खर्च करता है तो ये कितना बचाता होगा, 1/5, यानी सेविंग की बात करें तो सेविंग कितना करता है, ये 1/5x सेविंग करता है। अगर इसकी बात करें तो ये 15% बचाता होगा, तो 15y/100 कर दें तो 15 5 से 20, यानी कि 3y/20 ये बचाता है। इसको डायरेक्ट लिख दिए, 3y/20 बचाता है। ये अगर 75% खर्च करता है तो 25% बचाता है, यानी कि z/4 बचाता है, जिसका सेविंग का अनुपात कितना है, 7:6:9। ठीक है, अगर हम देखें x, y और z का अनुपात देखें, इनका अनुपात देखें तो ये क्या हो जाएगा, 7 5 35, 20 6 120 और 4 9 36, कितना हो जाएगा, ओके, और ये 3 से भाग होगा तो ये चला जाएगा, ये 20 6 120 और 3 से भाग होगा तो ये चला जाएगा 40, यानी कि ये इतना हो जाएगा। ठीक है, अब एक्स वाई जेड का अगर हम अनुपात देख लें, यहाँ से एक्स वाई जेड का अनुपात हो जाएगा 6 5 11 1, हाथ में 3 1 4 4 8 3 11, इन एक्स वाई जेड का अनुपात कितना है, 111 आ गया। जब एक्स वाई जेड का अनुपात हमारे पास 111 आ गया, तो अगर एक्स की मजदूरी देख लें, एक्स की मजदूरी कितनी हो जाएगी, 333 गुना ये कितना है, 35/111, ये कट जाएगा 3 से, 35 3 105 रुपये। वाई की अगर मजदूरी देख लें तो ये हो जाएगा 333 गुना ये 40/111, यानी कि 120 रुपया। अगर हम जेड की मजदूरी देख लें तो हम कह सकते हैं कि 36 × 3 डायरेक्ट कर लें तो 36 × 18 = 108 रुपया। तो एक्स वाई जेड का अनुपात कितना हो जाएगा आपका, 105 120 108, यानी कि ऑप्शन बी जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 कहता है कि यदि ए अनुपात बी 2:4 हो, बी अनुपात सी 4:5 हो, सी अनुपात डी 6:7 हो, तो ए अनुपात डी का बराबर क्या हो। अब देखिए हमसे पूछ रहा है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी 2:4, ए बी को 2 के सामने लिख देंगे, बी सी का कितना दिया 4:5, सी डी का दिया है 6:7। अब इसके बगल में खाली जगह है तो इसके बगल वाला संख्या इसमें लगा देंगे, इधर खाली है तो इसको लगा देंगे, और इधर खाली है तो इसको लगा देंगे, इधर खाली है तो इसको लगा देंगे, गुना कर देंगे 4 × 8 = 48, 4 × 16 = 96, 6 × 5 = 30, 30 × 4 = 120, 4 × 5 = 20, 20 = 140। ठीक है, अगर हम ए डी का मान हमसे पूछ रहा है ए अनुपात डी, ए कितना है 48 है और डी कितना है 140 है। देखिए ये कट कैसे करता है, 8 से कट जाएगा, 2 से काट दीजिए पहले, ये 2 से 24 बार में कट जाएगा, 2 से ही 70 बार में कट जाएगा, 2 से 12 बार में, 2 से 35 बार में, यानी कि 12:35 ही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है ये सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 कहता है कि किसी त्रिभुज की भुजाएं 1/3, 1/4, 1/5 के अनुपात में है तथा इसका परिमाप 94 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा की लंबाई क्या होगी, क्या अनुपात में है 1/3, 1/4, 1/5 अनुपात में है, 3, 4, 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20, 4 से ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 12, यानी इसका अनुपातित जो कितना हो जाएगा 5, 2, 7, 2, 3, 1, 4, 47, इसका परिमाप कितना दिया है 94, तो 47 का परिमाप 47 = 94, तो एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा 2। जब एक यूनिट का मान हमारे पास 2 सेंटीमीटर आ गया तो हमसे क्या पूछ रहा है, त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा की लंबाई क्या हो जाएगी, तो सबसे छोटी भुजा कितनी है 12, तो 12 × 2 कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर आपका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन सी जो होगा ये सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 कहता है 8 तथा 18 का मध्यानुपाती क्या होता है, तो मध्यानुपाती क्या होता है, अंडर रूट ए और बी होता है, यानी कि अंडर रूट 8 × 18 यानी कि 144 यानी कि 12, इन दोनों का मध्यानुपाती कितना हो गया 12 हो गया, तो ऑप्शन बी जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।